नेता नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे कार्यों को देखते हुए। मैं अपने नेता के जज्बा को सलाम करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं काम भी करूंगा और सौहार्द भाईचारा बनने पर भी ध्यान रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और जमा खान एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जमा खान मंत्री बनने के लिए, मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के लिए जो राजभवन है वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 6 बजे तक सारे मंत्रियों को वहां उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है, तो वहीं करीब 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। इसके पहले जमा खान ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव के कार्यकाल पर भी हमला बोला और कहा है कि जो जनता है वो सब जानती है, सब देखती है, जनता को पता है कि 18 साल पहले बिहार कैसा था और अब का बिहार कैसा है। इसीलिए जनता ने जो हम पे विश्वास दिखाया है, नीतीश कुमार के ने जो हम पर विश्वास दिखाया है वो हम तोड़ेंगे नहीं। इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ कहते नजर आए हैं जमा खान, पहले आप वो सुने। नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे कार्यों को देखते हुए। मैं अपने नेता के जज्बा को सलाम करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं काम भी करूंगा और सौहार्द भाईचारा बनने पर भी ध्यान रखूंगा। उस विश्वास को विश्वासघात नहीं कर सकता। पूरे बिहार के अंदर काम करके जो नेता ने काम करने का तौर तरीका अपना दिखाया है उसमें हम चलते भी हैं। हम लोग बिहार के अंदर काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे, सौहार्द भाईचारा बना इस पर भी ध्यान देंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक है, किन पहले हो रहा है, शपथ ले रहे हैं जी, क्या रहेगी रिजल्ट? तो आप समझ रहे हैं 39 पिछली बार हम थे, नेता का काम बोलता है, नेता जो काम किए हैं बिहार के अंदर आपने देखा है, सबने देखा है बिहार क्या था 18 साल पहले, आज देखिए बिहार क्या है, वो जनता देखती है, जनता समझती है। ये हमारे नेता हर समाज हर वर्ग धर्म को लेकर चलने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 40 का 40 सीट चुनाव जीत के हम लोग जाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं आप सबको। आपको एक बार फिर बता दें, आज नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, करीब 6:30 बजे राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। नीतीश सरकार का कैबिनेट बैठक भी था जो अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं भाजपा के, जदयू के, वो या अन्य पार्टियों के एनडीए में जो है जो मंत्री बनने जा रहे हैं वो पहुंचना उनका शुरू हो जाएगा राजभवन। 6:15 तक सबको वहां पहुंच जाने का जो निर्देश है वो दिया गया है, ताकि करीब 6:30 बजे जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो सके। उसके पहले जमा खान का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा कर दिया है कि पिछले बार हमने 39 सीटें जीते थी, लेकिन इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जनता ने हम पे जो विश्वास दिखाया था वो हमने पूरा किया है और जनता का विश्वास हम इस बार भी नहीं तोड़ेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तो वहीं लालू यादव के कार्यकाल पर हमलावर होते हुए कहा कि जो जनता है उसने देखा है कि 18 साल पहले बिहार कैसा था और अब का बिहार कैसा है। तो आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद नीतीश सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और जमा खान एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। लालू यादव के सरकार के कार्यकाल पर भी हमलावर नजर आए, क्या कुछ कहते नजर आए ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।